चालू कर। जिसको अगर ये साउंड नहीं पसंद आया तो प्लीज अनलाइक नहीं लाइक दबा दे, फिर भी कमेंट फिर भी अच्छा कर दे कि मैं क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज मुझे ना बुखार चढ़ गया सुपर बाइक्स के, सुपर बाइक के साउंड्स के। तो अभी सुपर बाइक्स तो आ नहीं सकता, तब तक अपनी गाड़ी में कुछ कांड करते हैं सुपर बाइक जैसे आवाज लाने के लिए, तो वही कांड किया है। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उतना गंदा नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हो, जितना मैं सोच रहा हूँ, ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। संडे का प्लान कर रहा हूँ, संडे का प्लान करो, लेकिन उससे पहले ये एग्जॉस्ट आज हम चेंज करेंगे। ओके, आज क्या है, आज एक शूट भी है, मतलब अभी जाकर मॉर्निंग मॉर्निंग में शूट करना है और फिर इवनिंग में जाकर शूट करना है। दोपहर का मुझे आई थिंक जो फ्री वाला टाइम मिलेगा, तो दोपहर के फ्री टाइम में मैं वो KTM का एग्जॉस्ट का अदला बदली करने वाला हूँ और देखेंगे कैसा साउंड आएगा। अगर अच्छा साउंड आया तो संडे को राइड पे लेके जाएंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आज कौन सा वार है, गुरुवार है ना, मतलब आप देख रहे हो फ्राइडे को। तो भाई आ जाओ, ये रहा एग्जॉस्ट का वेट बहुत कम है, मैं इधर ही कंफ्यूज, इसका वेट क्यों कम है, और अंदर से पूरा आर पार दिख रहा है, पूरा अंदर से ये पूरा खाली है। क्या करने वाले इस एग्जॉस्ट को, ओके देख लो पहले, ये इसका ही तो है ना। हाँ ये इसका ही है, तो हम लोग ये निकालेंगे और ये लगा के देखेंगे आवाज़ कैसा आता है। सबसे पहले हम तो इसका वेट चेक करेंगे कि भाई ये कितना वेट का है, ये कितने वेट का है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही सस्ते में मिला है। तो समझ लो ऐसे टाइट, तो ये थमलेन, ये थमलेन है। तो भाई ये राकेटम का ओरिजिनल भाई वेट है, हल्का है पूरा, इसमें वेट है, इसमें हल्का है पूरा, ये पूरा वेट है। तो भाई यहाँ पे मार्केट में आ गए क्योंकि हमारे पास तो वजन काटा है नहीं, तो जिसके पास वजन काटा उनके पास आए, तो ये ओरिजिनल KTM का डुप्लीकेट KTM का, तो देखते हैं पहला हम ओरिजिनल का वेट कितना, भैया इसका वेट देखो कितना है। चलो तो वहाँ पे देखिए आपको काटा एकदम जीरो दिख रहा होगा, भाई इसका वजन देखो कितना है, ये इसका वजन है 2 किलो 150 ग्राम ना, आपने देख लिया ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट का 2 किलो 150 ग्राम वजन है। चेक करते हैं इस चीज़ का इसका वेट कितना, तो उसका वजन कितना भैया, 2 किलो 154 ग्राम, 2 किलो 154 ग्राम भाई इसका, आप चेक करो इसका कितना है, अभी पता चल जाएगा भाई क्या कैसा, तो ये किस में जाएगा, ये हल्का है ना, देखिए हाथ पकड़ते हैं भैया हल्का, एक किलो 10 ग्राम का फर्क है, 1 किलो 10 ग्राम का फर्क है इस दोनों में, क्या बात है भाई। चलो फिर एक बार गाड़ी चालू करते हैं और देखते हैं इसमें आवाज़ कैसा आता है। ये जो साउंड है बिना एग्जॉस्ट का, ओके ये जो साउंड है बिना एग्जॉस्ट का, बिना एग्जॉस्ट, बात बताओ मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं है कि मतलब आवाज़ किस में अलग है, कि संदीप मेरे साथ में और वो बोला कि भाई ये दोनों का आवाज़ सेम आ रहा है, लेकिन जो इसका आवाज़ आ रहा है वो सबसे लाउड आ रहा है, वो तो भाई मुझे मालूम है लाउड आ रहा है उसका आवाज़, भाई खतरनाक आवाज़ आता है। अरे और ये तो इसका आवाज़ तो एकदम फटे हो गया है। तो बात कर लेते भाई, देख लिया आपने कितना फ़र्क है। सो ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया कि आप लोग समझो कि आप कभी जा रहे हो मार्केट में KTM जो 390 या 250 का एग्जॉस्ट लेने के लिए, तो उसका जो ओरिजिनल वेट है वो आपने देखा 2 किलो 150 ग्राम, तो उस वेट के हिसाब से ही लेना, ओके नहीं तो वरना आप जैसा मैंने, चलो मैंने क्यों लिया, मैंने सिर्फ वो बैंड पाइप के लिए लिया क्योंकि मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना है, एग्जॉस्ट में मॉडिफिकेशन करना है इसके, मतलब 250 में, इसलिए मैंने सिर्फ वो बैंड पाइप के लिए 900 रुपये दिए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता दूँ, संदीप यहाँ ये पकड़िए, तो ये है मेरे KTM का ओरिजिनल एग्जॉस्ट, तो ये वाला जो पट्टी है
ये वाला पट्टी सेम इसमें बनाने का है, तो जाके ये मैं किटे में इंस्टॉल करूँगा, देन उसके बाद कट छट करने वाले एग्जॉस्ट का कुछ करने वाला हूँ मैं। दो मिनट में पट्टी बना दी यहाँ पे, और मुझे बोल रही थी कि तुम बाद में भाई बाद में कर दे, तो नहीं भाई मुझे अभी चाहिए, शाम को शूट करना है। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त भाई, डबल लगा देना थोड़ा और दबा। कितना टाइम गया आपको बोलो, वो खाली इसके काम के लिए बाद में बुला रहे थे मेरे को, मुझे आपसे ये ज़्यादा कि मैं इसको इंस्टॉल करूँ, गाड़ी को देखूँ आवाज़ कैसा आएगा फुल रेस देने के बाद। यहाँ पे हमने ये बना के ला दिया, ये लाइट वेट हम अभी लगा के देखेंगे आवाज़ कैसा आता है। एक बार वापस से मैं इसका आवाज़ सुना दूँ आपको। पाना भूल गए, एक पाना लेके आते, एक मिनट, एक पाना लेके आते, उस पर फिट करेंगे इसके अंदर। चलो भाई थोड़ा मुश्किल है इसको, ये परफेक्ट बैठ गया यहाँ पे। अरे जा इसमें, तो यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस की ये अच्छा काम करेगा। ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, अभी ये लगा दिया है, अब इसका वेट कम है भाई, उससे ओरिजिनल से वेट कम है, तो अब हम देखेंगे चला के कि आवाज़ कैसा आता है। वैसे भी अंदर से पूरा खोखला दिखता है, तो अब इस पर इसकी आवाज़ सुन लेते हैं हम लोग, आवाज़ सुन लेते हैं, रेडी आवाज़ सुनने के लिए। आवाज़ अलग है, तो सेम सुबह जैसा शूट कर रहा है ये देखो। चलो भाई आ जाओ, हमारी गाड़ी में हमने तो कांड कर दिया है, अब हम आरिफ के मारुति 800 के बारे में अपडेट कर दे। आरिफ ने यहाँ पे नया बोनट बना दिया है, ओके, तो यहाँ पे ये डिजाइन दिया है कि यहाँ से एयर के पास इंजन पर डायरेक्ट हवा जाएगा, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सोचा उसने जो यहाँ पे दिख रहा है, और किसी गाड़ी का ला के लगाया है, काम मस्त कर रहा भाई। और एक और चीज़, पीछे गाड़ी का पीछे का लुक कैसा दिख रहा है आपको दिखाता हूँ मैं, ये है पीछे का लुक। हाँ जी, तो पीछे ऐसे लाइट्स रहेंगे छोटे छोटे, जो कि कहाँ पे ऐसे, तो कैसा लग रहा है पेंटिंग के बाद ना भाई, इतना सेक्सी लगेगा ना भाई, इतना लाजवाब लगेगा ना, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ तक काम पहुँच गया है, और ये पूरा एसी भी बना लिया उसने पूरा, ये गाड़ी मतलब अभी बिल्कुल दबता नहीं है, अंदर से बहुत पतरी मारे है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया अंदर से गाड़ी को। अब गाड़ी में खाली पेंटिंग वेंटिंग का काम बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ पे आज का खाना फिर मैं खाया नहीं, तो संदीप गया है वहाँ पे कुछ ग्रेवी मतलब कुछ सब्जी लेने के लिए, और घर का रोटी है तो लोग बाहर का कुछ खाने रहे। तो संदीप गया रेनो ढाबा से, वहाँ पे बड़ा टीवी लगा हुआ है, और वहाँ पे फिश टैंक भी है रेनो ढाबा पे, मतलब आपको फिश खाने का है तो बस टैंक में इशारा कर दो कि भाई ये वाला चाहिए, सीधा फ्राई होकर आपके टेबल तक। हाँ, कोई टेंशन नहीं। तो ये कांड अभी होने वाला है, मतलब ये यहाँ से कटेगा और ये लगेगा, बाकी इसका सब यहाँ पे लग देते भाई। तो कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ पे मुझे वो एग्जॉस्ट निकालना है वहाँ से, बस लुक तो अच्छा लग रहा है भाई, मतलब वो क्रोम जो दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम आफ्टर मार्केट, एक महंगा वाला एग्जॉस्ट ला के मैंने गाड़ी में लगाया, लेकिन उसमें साउंड नहीं है, सेम मतलब डुक जैसा ही है, बस जो साउंड है थोड़ा सा स्टार्टिंग साउंड अलग सा है, लेकिन भाई के पास यहाँ बहुत काम है, और अंकल ने रिक्शा में भी काम चालू कर दिया, तो अंकल रिक्शे में काम कर रहे, इधर काम है उधर काम है, इसको काट के उसमें लगाना है, इसमें जो बुम बुम साउंड आता है वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसको यहाँ से काट ले, इसको यहाँ से काट ले, ये इसमें मुझे लगाना है, ये यहाँ से पैसे ले लो यार। सबसे पहले मैं उन लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा जो मुझे कॉल करते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि भाई मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आपसे ठीक से बात नहीं कर पाऊँगा, मुझे शाम को कॉल करना, मैं रिले से देखो ऐसा हाल रहता है, एक तो काम रहता है, बाहर का भी काम रहता है, तो बहुत प्रेशर रहता है, ये काम भी कराना रहता है मेरे, एक दिन का टारगेट रहता अपने पास, ये कहाँ जाएगा भाई, जल्दी काला ना हो जाए मेरा इंजन, और ये नया कट रहा है भाई। देखो ऐसा आप कुछ मत कहना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा यही प्लान था, क्योंकि ये अपने को बैंड पाइप चाहिए था, इसके बाद हम इसमें बहुत सारे एग्जॉस्ट आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई का यहाँ पे एक कंप्लेंट है, बोलता है मटेरियल बहुत पतला वाला है ना, दिखाने के और खाने के दांत उसको अलग है, मतलब इसको गया। चलो भाई अब इसको खोलते, 13 नंबर चालू कर, बंद कर। हाँ हम लोगों ने बहुत टाइट कर सकता, हाँ
ये डिस्टेंस संभलना आ रहे। चल ये यहाँ पे ये पल्सर में लगेगा बाद में, जो काट रहा है ना पल्सर का, ये पल्सर में लगाने का बाद में। देखिए यही इसमें आ जाए, इस भाई ने ये एग्जॉस्ट पे इतना काम किया, इतना काम किया है। पल्सर में लगाऊंगा, यहाँ पे कट गया। हाँ जी यस, उसके अंदर जा रहा है क्या वो? अरे वाह, काम चालू हो गया। बस हार्डली 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट में पता चल जाएगा कि गाड़ी से आवाज़ कैसा आने वाला है। अगर ये ख़राब आवाज़ आया तो मैं डायरेक्ट वहाँ से खोल के इसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट वापस से लगा सकता, तो कोई टेंशन नहीं है मेरे को। 10 मिनट बोला था और मैंने इतना देर कर दिया, 10 मिनट का तो वीडियो हो गया तेरा। बुलेट ट्रेन क्या कर रहे हो? बुलेट ट्रेन देखो गाड़ी में क्या क्या आतंक मचा रहा है यहाँ से। एक बार चालू करके देखो, पकड़े रखना। ओके रेडी, आप लोग तैयार हो गया? अपना काम हो गया भाई। ओके चलते हैं। वाह यार, चक्का स्लिप हो रहा है, इतना पावर आ गया लगता है। हाँ आवाज, तो भाई मतलब कुछ प्लान नहीं था यहाँ पे, मैंने कुछ अपडेट किया था कि मैं यहाँ वैसा कुछ। बड़ा हो गया देखो स्टूडेंट, कितना बड़ा हो गया यार। मतलब तो उनको बर्थडे विश कर दो कमेंट बॉक्स में, और ये हमारे प्यारे सभी सब्सक्राइबर, आपका नाम? एल्विन, ब्रायन, रिचित, हाई फाइव। यस यस या हाई फाइव हो जाए। मजा आया मिलके, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, नर्वस नहीं होना यार, कभी भी किसी से मिलना है ना तो बिंदास मिलो। मैंने नोटिस किया थोड़ा सा तुम लोग नर्वस थे और गुपचुप चालू था, फिर हमने जाने तो बच्चे लोग सीख जाएंगे। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। अभी जो आपने देखा सिल्वर एवेन्यू में हम शूट कर रहे थे और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे आए, वो मतलब काफ़ी देर तक खड़े थे। मतलब मैंने उनको नोटिस किया, वो खड़े थे। आप किसी और को फॉलो करते और आप कुछ कभी देख लिया तो देखना, सिचुएशन देखना, टाइमिंग देखना, जाके फिर बिंदास बातें करना यार। ऐसे चुप मत रहना, आप बिंदास, सारे यूट्यूबर एक जैसे होते, मतलब वो हमेशा चाहते हैं कि उनके पास सब्सक्राइबर आए, बातें करें, अच्छा लगता है, फील होता है, अच्छा फील होता है। मुझे भी अच्छा फील हुआ जब वो बाद में आए, साथ में फ़ोटो वोटो निकाले और हमने बातें भी की बहुत सारे बच्चे लोगों ने, और उसमें से एक दो तो हमारे स्टूडेंट थे जिनको मैंने स्विमिंग और डांस सिखाया था। ओके बहुत लोग को केटम की आवाज़ पसंद नहीं आएगी, एक्चुअली क्यों क्या था, रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग में और एक्चुअल में सुनने में बहुत डिफरेंट रहता है। तो भाई साउंड मस्त आ रहा है, जब साउंड देंगे ना गाड़ी से मस्त आवाज़ आ रहा है, जब साउंड छोड़ेंगे तो गाड़ी से मस्त आवाज़ आता है। हाँ जी ये बहुत ही सही है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आने लगे बहुत सारे तो मैं जल्दी चेंज कर दूंगा फिर और नया ला के, क्योंकि अपने पास वो बैंड पाइप तो आ गया, तो बैंड पाइप को काटो, नया बनाओ, काटो बनाओ, कोई टेंशन नहीं, बैंड पाइप मिल गया तो काम होता रहेगा। सो साउंड बहुत अच्छा आ रहा है आज, मतलब आज आज आपने देख लिया कि अगर आप KTM Duke का एग्जॉस्ट लेने जा रहे हो तो देखना कि उसका वेट 2 किलो 150 ग्राम होना चाहिए ओरिजिनल का। मैंने जो लेके आया वो डुप्लीकेट है जिसका वेट है 1 किलो 1500 ग्राम। तो चलता है, मुझे तो सिर्फ बैंड पाइप चाहिए था तो मैंने बैंड पाइप लिए खरीदा, लेकिन आप जब खरीदने जाए तो वेट जरूर देखना। ओके सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, कमेंट उसमें कमेंट करना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, पहले लाइक बटन को दबाओ, उससे मस्ती करो, कुछ भी करो यार, लेकिन उसको दबा के जरूर जाओ। ओके जरूर जाओ।